वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। आई एम एडवोकेट दिव्या। बीजेपी, INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस, BJP, CPM, NCP, TMC, इन सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ का नाम आपने सुना होगा। इंडिया हैज़ मल्टी पार्टी सिस्टम एंड पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है एक ऑर्गेनाइजेशन जो कि कोऑर्डिनेट करती है कैंडिडेट के साथ में, ताकि कंट्री में इलेक्शंस कम्पीट कर सके। पॉलिटिकल पार्टीज़ का होना भी बहुत एसेंशियल है। पॉलिटिकल पार्टीज़ आर एसेंशियल इंस्टीट्यूशंस ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में बहुत ज़रूरी है। इलेक्शन में जो होती हैं वो पार्टीज़ आपस में कम्पीट करके सिटीजन को ये चॉइस देती हैं कि वो अपने अकॉर्डिंग गवर्नमेंट चुन सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में। अगर हम बात करें पॉलिटिकल पार्टीज़ की, कोई पार्टी अगर 3 अलग अलग स्टेट से मिलकर लोकसभा की 2% जो सीट है वो जीतती है, तो उसे नेशनल पार्टी के रूप में इलेक्शन कमीशन द्वारा मान्यता दे दी जाती है। और किसी भी पार्टी, जो कोई भी पार्टी है, असेंबली इलेक्शंस में टोटल जो वोट्स हैं उनके 6% या उससे अधिक वोट हासिल कर लेती है और एटलीस्ट 2 सीट जीत लेती है, तो उसको स्टेट लेवल पार्टी के रूप में मान्यता दी जाती है। एट प्रेजेंट अगर हम बात करें तो 8 नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं हमारे इंडिया के अंदर। उनमें से पहली पॉलिटिकल पार्टी है INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये फाउंड की गई थी बाय AO ह्यूम के द्वारा 28 दिसंबर 1885 को। इनका जो सिंबल था वो था हाथ। ऑलराइट, जो पार्टी थी वो थी CPI, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। ये एस्टेब्लिश की गई थी 1925 में M.L. रॉय के द्वारा। एंड इसका जो चुनाव चिन्ह है वो था हसिया एंड बाली। थर्ड पार्टी है BJP, भारतीय जनता पार्टी, जो कि एस्टेब्लिश की गई थी 1980 के अंदर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा। एंड इसका चुनाव चिन्ह था कमल। पार्टी थी CPM, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट। ये जो पार्टी है ये एस्टेब्लिश की गई थी 1964 में EMS डांगी के द्वारा। एंड इसका चुनाव चिन्ह था हसिया, हथौड़ा और तारा। फिफ्थ पार्टी थी BSP, बहुजन समाज पार्टी। 1984 में काशीराम के द्वारा ये पार्टी एस्टेब्लिश की गई एंड इसका चुनाव चिन्ह था हाथी। पार्टी थी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी NCP। 1999 में शरद पवार के द्वारा ये पार्टी एस्टेब्लिश की गई एंड इसका जो चुनाव चिन्ह था वो था घड़ी। सेवन्थ पार्टी थी AITC, जिसे हम TMC के नाम से भी जानते हैं, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, जो कि 1998 में ममता बनर्जी के द्वारा एस्टेब्लिश की गई और इसका जो चुनाव चिन्ह था वो था जोरा घास फूल। एट पार्टी थी नेशनल पीपुल पार्टी NPP, जो एस्टेब्लिश की गई 2013 के अंदर श्री PA संगमा के द्वारा एंड इसका चुनाव चिन्ह था किताब। ये थी हमारी 8 नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज जो एट प्रेजेंट हमारे इंडिया में हैं। 2012 के अंदर अरविंद केजरीवाल द्वारा आप पार्टी का गठन किया गया एंड इसके जो संस्थापक हैं, एस्टेब्लिशमेंट है, वो अरविंद केजरीवाल के द्वारा की गई, जिसका चुनाव चिन्ह था झाड़ू। समाजवादी पार्टी जो 4 अक्टूबर 1992 को ये एस्टेब्लिश की गई। अखिलेश यादव जो है वर्तमान में इसकी अध्यक्ष हैं एंड इसका चुनाव चिन्ह है साइकिल। नेक्स्ट अगर हम बात करें डेलिमिटेशन कमीशन की, जिसे हम हिंदी में कहते हैं परिसीमन आयोग, तो परिसीमन आयोग का काम होता है किसी भी स्टेट की विधानसभा या फिर लोकसभा के इलेक्शन एरिया जो है उसकी लिमिटेशन को निर्धारण करना, डिटरमाइन करना। बट इस प्रोसीजर के अंदर विधानसभा या लोकसभा की सीट्स में कोई भी चेंज नहीं की जाती, केवल उनकी सीमाओं का पुनर्निर्धारण किया जाता है। तो अगर हम बात करें हाउ डिलिमिटेशन इज कैरिड आउट, तो अंडर आर्टिकल 82 बात की गई है रीएडजस्टमेंट आफ्टर ईच सेंसस। ठीक है, मतलब प्रत्येक जनगणना के बाद में जो है वहाँ डिलिमिटेशन कमीशन का गठन किया जाएगा। ठीक है, तो डिलिमिटेशन कमीशन का गठन किसके द्वारा किया जाता है? प्रेसिडेंट के द्वारा। डिलिमिटेशन कमीशन का अपॉइंट किए जाते हैं बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जिसमें होंगे रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जजेस, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, रेस्पेक्टिव स्टेट इलेक्शन कमिश्नर। ऑलराइट, थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।